दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यानी कि UPPCL की तरफ से। वह असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट निकाली है, तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। इन्होंने जो है 13/10/2021 को ये नोटिफिकेशन निकाली थी और लास्ट डेट इसकी होने वाली 9/11/2021। बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने जो है 1180 रुपये रखी है, एससी एसटी के लिए इन्होंने जो है 826 रुपये रखी है और दिव्यांग के लिए इन्होंने जो है 1200 रुपये फीस रखी है। बात करते हैं हम एज लिमिट की, तो मिनिमम एज जो है 21 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर है। ले नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इन्होंने जो है 49 पोस्ट निकाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने जो है बैचलर डिग्री मांगा है इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। स्टेनोग्राफर के लिए इन्होंने जो है हिंदी की टाइपिंग मांगी है 60 WPM और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग मांगी है इन्होंने जो है 30 WPM। बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, तो आपके डिस्प्ले पे इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक बार जो है आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद में जो है आपको sarkaririzult.com पे जाना है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे जाने के बाद में जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो ये वैकेंसी भर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब वैकेंसी।